हेलोज, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज कोरोना के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा कोरोना के बारे में। और अगला जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, जो अगली बात होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे होगी कि ये जो लॉकडाउन है अभी जो 14 तारीख तक चलने वाला है, और माइंड भी ऐसे आसार मुझे लग रहे हैं कि वो आगे और भी टाइम के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो इन दिनों में आप क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे है तो बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन मैंने चीज़ें जो है कुछ लिस्ट करके रखी है कि क्या क्या करना है। तो आइए देखते हैं कि मैं आपके लिए क्या क्या आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ। क्या ऐसी क्या चीज़ें, वो 10 चीज़ें हैं या फिर 10 बातें हैं जो आप कर सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो चलिए हम अभी देखते हैं आगे वीडियो में। तो पहली चीज ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो राइट हैंड यूज़र होते हैं, मतलब वो लेफ्ट नहीं होते, राइट ही होते हैं। तो ऐसे मज़ेदार बात ये है कि अगर आप राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप घर बैठ के आप कोशिश कीजिए कि आप लेफ्ट हैंड से काम करें। मतलब चाय पी रहे हो तो चाय का कप आप लेफ्ट हैंड से पुल कीजिए, उठाइए, और कुछ चम्मच अगर पकड़ रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड से खाने की कोशिश कीजिए चम्मच से। मज़ेदार होगा, ब्रश करते हैं अगर आप जो सुबह उठ करके, तो आप लेफ्ट हैंड से कीजिए। मतलब ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप लेफ्ट हैंड से करें। इससे क्या होगा कि आप लेफ्ट हैंड से भी आपकी आदत बनेगी, और कभी न कभी ये अच्छी बात ही होगी कि आप जो है कि दोनों हाथ से, हो सकता है आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों हाथ से आप काम करें, लाइक सहस्त्र बुद्ध शास्त्री इन 3D। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक गेम है, एक गेम की तरह है, और ये धीरे धीरे अगर आदत बन जाती है बहुत ही अच्छा होगा हम सबके लिए जो हम ऐसा करते हैं। मैं भी करके देखूंगा, मैंने आज इस चीज़ के बारे में सोचा ही है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दूसरी चीज़ है कि आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप कोई प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इसके लिए मिल जाएंगे। आप कोई अदर लैंग्वेज जैसे जर्मन, स्पेनिश और चाइनीज़ तो वैसे अभी लोग काफ़ी नफरत कर रहे हैं चाइनीज़ किसी भी चीज़ से, लेकिन लैंग्वेज सीखने में कोई बुराई नहीं है। जापानीज सीख सकते हैं आप, कोरियन सीख सकते हैं आप, जर्मन सीख सकते हैं, स्पेनिश सीख सकते हैं आप, ग्रीक सीख सकते हैं आप, कुछ भी सीख सकते हैं कोई अदर लैंग्वेज। ये लॉकडाउन जो है आपको, अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 2 घंटे तो रोज़ आपको बच ही रहे हैं जो कि आप ट्रेवल में पहले इन्वेस्ट करते थे। तो इसमें आप कोई लैंग्वेज आप आराम से, तो ये अच्छी बात है कि आप लैंग्वेज 2 घंटे में बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ। चीज़ जो है वो है मूवीज़ की। आप मूवीज़ तो वैसे देखते ही देखते हैं, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप ऐसी मूवीज़ देखें जो कि ऑस्कर नॉमिनेटेड हैं या ऑस्कर विन कर चुकी हैं। ऐसी मूवीज़ में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आप वो मूवी देख सकते हैं जो आप बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे थे कि मैं देखूंगा या देखूंगी, लेकिन देख नहीं पा रहे थे। तो ये परफेक्ट टाइम है इन सब मूवीज़ को ख़त्म करने का देख करके, और अच्छी बात है मूवीज़ आप जो आपने शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई थी पहले देख ही नहीं पाए, तो मूवीज़ आप देख सकते हैं। और ऐसी मूवीज़ आपको ज़्यादातर जो पुरानी मूवीज़ है वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ज़्यादातर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको कुछ नाम अगर ना मिल रहा हो तो आप कमेंट में जो मूवीज़ देखना चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं यूट्यूब पर या फिर किसी भी तरीके से अवेलेबल करा दूँ। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगेन ऑनलाइन सीखने वाली ही बात है, कि जैसे आप कोई फोटोग्राफी कोर्स करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आप अलग से कोई एक्सेल पे ट्रेनिंग चाहते हैं, वो बहुत सारे ट्यूटोरियल भरी हुई है ऑनलाइन, आप सीखना अगर चाहें तो बहुत कुछ ऐसे ऑनलाइन जिसमें Alison.com है, Shaw Academy है, आपको Unacademy है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू आपको सिखाया जाता है। बाद में एक उस पर एक टेस्ट होता है, और टेस्ट में आप जैसे रिजल्ट होते हैं उसके अनुसार आपको फेल पास या ग्रेडिंग दी जाती है। बाद में वो सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होती है। अगली चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊँगा, ये है आपके दोस्त, ऐसे दोस्त जिनसे आपने बहुत दिनों से कोई बात नहीं करी है, जो बहुत दूर रहते हैं,
जो आपके स्कूल के टाइम के फ्रेंड्स थे, आपके कॉलेज के टाइम के फ्रेंड्स थे, आपकी फर्स्ट कंपनी के फ्रेंड्स थे, ऐसे दोस्तों से आप बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, नहीं कुछ तो चैटिंग ही कर डालिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ ये मेरा दोस्त था, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने पुराने दोस्तों से भी बात करी और आपके रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वो क्या है, हाँ वो है आप अपने हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक मीडियम में पढ़ाई की होगी अगर आप इंडियन हैं तो। अगर आप किसी और देश से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो अलग बात है, वो आपके जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है आपने उसमें पढ़ाई की होगी। तो मुद्दे की बात ये है कि आजकल डिजिटल सब कुछ हो गया है, SMS, ईमेल और ये सब, पेन का यूज़ तो हार्डली होता ही है, बहुत हार्डली होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक लेटर पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट तो अभी आप कर नहीं पाएंगे, आपको आपको ये करना है कि आप लेटर आपको लिख के रखना है, और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा आप लेटर आप उनको पोस्ट करेंगे अपने चाहने वालों को। इससे क्या होगा कि उनको बहुत अच्छा लगेगा कि कोई, क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए भी, क्योंकि आपने आई डोंट थिंक सो कि पिछले 10-12 साल में कोई लेटर पोस्ट किया होगा। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है और मुझे बहुत पसंद आया, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, अपने चाहने वालों को एक अच्छा सा मैसेज, कोई थैंक यू नोट। अगली जो टिप्स है वो है गेम्स, ऐसे गेम्स जिसमें आपका माइंड शार्प होता हो, कोई पजल सॉल्व करना, जैसे सुडोकू खेलना, ब्रेन गेम्स खेलना, और जैसे रिडल सॉल्व करना। एक फेमस रिडल है, काफ़ी फेमस है, जो कि मैं सॉल्व करना चाहता हूँ और मैं ये सॉल्व करूँगा, तो इसकी भी एक वीडियो आपको मिलेगी। वो है आइंस्टाइन का रिडल, आप लिखेंगे कि आइंस्टाइन रिडल, फेमस हाउस आइंस्टाइन रिडल, तो आपको फर्स्ट और सेकंड लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा ऐसे पजल्स को सॉल्व करना, इससे होगा ये कि आपका माइंड जो है काफ़ी शार्प होगा और मज़ा तो आएगा ही, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अगली टिप्स जो है वो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से रिलेटेड। अगर आपके पास ड्रोन है, मतलब ड्रोन कैमरा है, तो और अभी आप अगर किसी मेट्रो सिटी या फिर ऐसे सिटीज में नहीं रहते हैं जहाँ पे कोई एयरपोर्ट है, तो ये बेस्ट समय है आपके आपको ड्रोन फ्लाई करने का और ड्रोन की रिकॉर्डिंग और फुटेज निकालने का। बेस्ट समय इसलिए क्योंकि अभी आपको कहीं भी कोई क्राउड नहीं मिलेगा। तो अगर मान के चलिए मैं अगर ताजमहल की बात करूं, आगरा में तो वैसे एयरपोर्ट है, लेकिन अभी आप उतना ज़्यादा सर्विलांस नहीं होगा, लेकिन वैसे ये रिस्क वाली बात है, ये आप करेंगे तो अपने रिस्क पे कीजिएगा प्लीज़। और इसके लिए आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि अश्विनी ने कहा है तो ये मुझे करना ही है, या फिर अपना भी अपनी भी आप देखिएगा कि आपको कैसे करना है, और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तो फुटेज बहुत ही अच्छी निकलेगी। क्योंकि कोई ताजमहल में अगर आप ऊपर से आप फुटेज निकालोगे तो बिल्कुल एक भी बंदा नहीं दिखेगा, काफ़ी कमाल की फुटेज निकलेगी। या फिर कोई अगर आप हिल स्टेशन पे है तो वातावरण काफ़ी बिल्कुल कूल है और पॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही मस्त वाला फुटेज निकलेगा। तो आप ये ट्राई कीजिएगा अगर आपके पास ड्रोन है तो, और नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं, मेरे पास भी नहीं है। और लास्ट जो है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है सबसे महत्वपूर्ण अपने हेल्थ से रिलेटेड। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एक्सरसाइज करना है। आप छोटी मोटी कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप पुशअप्स कर सकते हैं, अगर आपके पास चिन अप करने के लिए है तो आप चिन अप कर सकते हैं, आप दंड बैठ की कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप आपके पास अगर आप 2-3 फ्लोर पे रहते हैं तो 2-4 बार सीढ़ियाँ भी चढ़ लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, दैट्स एनफ, बहुत है इतना आपको करने के लिए। रोज 10 मिनट 15 मिनट निकालिए, बहुत है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ इज वेल्थ। तो यही मैसेज के साथ आपको मिलता हूँ कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।